एवरीवन, माय नेम इज अंजिता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स दीज आर जनरल रीडिंग, सो व्हाट एवर रेजोनेट्स विद यू कीप इट विद यू, एंड जो नहीं करता है वो किसी और के लिए जाने दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि जो एनर्जी है वो आप तक पहुंचे और रीडिंग्स हैं वो आपको और रेजोनेट करें। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुले माइंड से रीडिंग को सुनिएगा, एंड जो भी मैं गाइडेंस आपको दूँ उसके अंदर आप लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। सो हेलो एरीज, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी एरीज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी एरीज के लिए क्या आ रहा है कमिंग वीक में। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है। ओके, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो एरीज, कहीं ना कहीं मैं आने वाले वीक में देख रही हूँ आप कुछ चीज़ों को चेज करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप स्पेशली कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी किसी भी चीज़ जो भी आपको सर्व नहीं कर रही थी, यू आर मूविंग अहेड। ठीक है, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सनराइज दिख रहा है जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है इस वीक। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस वीक बहुत ही कट क्लियर रहने वाले हैं। लाइक यू नो, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ही क्लियर रहेंगे इस हफ्ते। आप इजीली लोगों को बोल देंगे कि यू नो दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट अलाउइंग, एंड आप बहुत ही यू नो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस वीक अपने माइंड को लेंगे, क्योंकि देर आर थॉट्स जो आपको कुछ परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस उसका ख्याल रखना है। और आपके लिए कहा जा रहा है चेंज। क्यों? क्योंकि आपको जो भी आप अभी सोच रहे हैं, ये आपका अननोन फियर है जो आपको सर्व नहीं करेगा। सो इट्स बेटर यू मूव अहेड। आपके लिए गाइडेंस भी कहीं ना कहीं यही आ रही है, मूव अहेड। ठीक है, एंड आपके लिए कहा जा रहा है कि नो चेज योर ड्रीम्स, चेज दैट थिंग विच इज़ मेंट फॉर यू। यू नो, उन चीज़ों से दूर जाइए जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। दैट्स वेरी वेरी, और बहुत ही लॉजिकल होंगे आप इस मंथ मुझे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और कैलकुलेटिव होकर चीज़ों को देख रहे हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हेडेक थोड़ा सा या हो भी ऑलरेडी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने यू नो क्राउन चक्रा का और अपने थर्ड आई चक्रा का ख्याल रखिएगा। लेट्स सी आपके लिए सेल्फ केयर में से क्या आ रहा है। डिसीजंस, आपके लिए कहा जा रहा है कुछ सॉलिड डिसीजंस करते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे इस वीक। और आपके लिए कहा जा रहा है चीज़ों को बैलेंस करके रखिए, यू नो, और इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। यू नो, आर या पार, कुछ समथिंग मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आर या पार हो जाए। चीज़ों को लेके ना बीच में मत उलझे रहे हैं या उलझे हैं आप जिस भी चीज़ में। तो इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन फर्मली। ट्रू लव, ओके, सो आपके लिए कहा जा रहा है द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है कि जिनके साथ भी आप थोड़े से इमोशनली अटैच है, वो आपसे बात करें या आप उनसे कॉन्टैक्ट करें या फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। या कुछ लोगों के लिए मैं बिल्कुल नया एक ट्रू लव, एक लव वाइब, एक नया फ्रेश लव वाइब देख रही हूँ। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एरीज, दैट्स वेरी नाइस रीडिंग। एंड आपके लिए कहा जा रहा है इंटेंशन सेट करिए और अपने काम पे फोकस करिए, बी फोकस। सो दैट्स इट एरीज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक।